हेलो, गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, गाड़ी गड़बड़ हो गई है। हमारे यहाँ उधर भागा पहले, उधर उधर वो लोग के बाप में था, इन्हें इन्हें गैर मुस्लिम है चीखा में। अरे इन्हें गैर मुस्लिम है यारो, उधर से तुम कहाँ खड़ा है? इन्हें कैसे आया? टर्निंग से भाग गया, टर्निंग पे इन्हें भाग के आ रहा था उधर से, पतरे मार रहे थे ना, उधर से भाग के आ रहा था। मैं कहा, मैं बोला पुलिस वालों को, बोला तुम आगे मत जाओ, मैं जाके रोकता हूँ लोगों को, आप लोगों को देख के और पतरे मारते बोले, समझिया वो इन्हें खटा मेरे हाथ को, मैं कालर पे हाथ डाला यहाँ पर, यह डाला डाला तो क्या मालूम है कि कान में इस बड़ी चार्ली की बोली थी। होना नहीं होना, कोई इन्हें गैर मुस्लिम होते पब्लिक क्या करी, थपक दी वो भाग के क्या करा मालूम, तुम्हारी तरफ आए नहीं, अपन क्या समझ रहे पत्थरों में इंजर्ड होके आए नहीं मिलते, तो अपने हाथ को खड़ा वहाँ पर कोई है ना, ऐसा नहीं है पूरी बारह मतलब वो है आप लोग हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वहाँ आप देखे ना, वहाँ पर भी देख लीजिए ना वो कैसा हुआ था। हाँ होता है मंदिर, बंडे मारो, पत्थर मारो, तुम मारे पत्थर, पुलिस वाले बोल रहे, तुम मारे बोल के बोल रहे ना, कैमरे में हो, कैमरे में आएगा तो तुम पत्थर मारेगा। चल चल पहले पहले शट शट सबूत करा बोला, बता बोला हमको सबूत क्या है। पीसफुल तरीके से नमाज हो गया, और नाम उसका विजय कुमार नाम है, उसके गले में अल्लाह का लॉकेट था, कान में बॉली ना, वो कान की बॉली से आइडेंटिफाई हुआ, वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर उनके नारे लगा रहा था, वो लोग बच्चों के साथ मिलते, और क्या किया वो मालूम है, पथरमबाजी में, पूरी पथरमबाजी में 8-10 का ग्रुप था, एक विजय कुमार हूँ शाली बंडा थे, मैं खुद पकड़ के विभिन्न मीडिया के साथ आपके इंस्पेक्टर को के बाद, उसके बावजूद ये सारी प्लानिंग के तहत ये कौन करे इस कुछ सारे चीज़ों को आप इंक्वायरी कर कर छोड़ बाबरी मस्जिद की शहादत के 21 साल की तकमील के मौके पर आज पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाया गया, और चुनाचे हैदराबाद में भी यौम सियाह पुरमन तौर पर मनाया गया। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने मुश्तरका मजलिस अमल के जलसे में पुरमन बंद मनाने की अपील की थी, और आज वो पुरमन बंद कामयाबी के साथ अख्ताम को पहुंचा, और हर तरफ बहुत बंद था, लोग अपने कारोबार को बंद रखे। मक्का मस्जिद के पास नमाज जुम्मा भी पुरमन तौर पर अदा किया गया, हजारों की तादाद में मुसलिया नमाज अदा करके गए। नमाज खत्म होने के 15-20 मिनट के बाद बाहर कुछ नौजवानों के ग्रुप ठहरे हुए थे, उन ग्रुप में से चंद बच्चे नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए पुलिस पे पथराव शुरू करे, और उसके साथ दूसरे बच्चे भी शामिल हो गए, लेकिन उसमें हमारे कॉर्पोरेटर शाली बंडा, डिप्टी फ्लोर लीडर जीएचएमसी मोहम्मद गौस साहब एक बच्चे को जो मशकूक अंदाज में था उसका पीछा करके पकड़े, तो उसका नाम निकला विजय कुमार, और वह राजस्थान का रहने वाला है, और उसके गले में एक जो सो लॉकेट था जिसपे अल्लाह लिखा हुआ था, और कान में बाली थी, उसको फौरी वहां से पकड़ के पुलिस के हवाले दिए, मीडिया वाले भी उसको कहर करे पुलिस के कस्टडी में दिए। उसके बाद फिर इत्तला मिली कि एक बच्चे को और जख्मी किया गया, सरा में है, उसका नाम भरत है, और वो गलीपुरा कंदिकल गेट का रहने वाला है। फिर उससे जाके बात किए और उसको देखे दवाखाने में है, दोनों को पुलिस की कस्टडी में दिया गया, और यहाँ पर कॉर्पोरेटर साहब की तरफ से मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई, एक्नॉलेजमेंट ले लिया गया।
सवाल ये पैदा होता है कि मक्का मस्जिद का तहफ़ आज भी फिरका परस अनासर कर रहे हैं सिर्फ बेकसूर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए। यहाँ का बम ब्लास्ट का भी किस्सा आपके सामने है कि उस वक्त भी मुसलमानों को निशाना बनाया, गिरफ्तार किया गया बच्चों को, लेकिन कोई दूसरे निकले ब्लास्ट करने वाले। और उसके बाद मुसलसिल कई वक्त बीच में भी कुछ लोग आए थे शरपसंदी के लिए, जो गैर मुस्लिम थे नमाज पढ़ते हुए नमाजियों की सफों में घुस गए थे, उनको भी पकड़ के हम दिए पुलिस। किसी को पागल बोल के छोड़ दिए, किसी को गलती से आया बोल के छोड़ दिए, किसी को बोले टूरिस्ट है देखने आया बोल के। लेकिन आज जो बच्चे पकड़े हुए रेड हैं तो ये मालूम हो रहा है कि हमारे कुछ ऐनी शायद इन बच्चे देख के ये इत्तला दिए कि एक 8-10 का ग्रुप था जो नॉन मुस्लिम थे, वो चाहते थे कि यहाँ की हालात को खराब करके पूरे शहर में फिजा खराब करे, अमन को दरहम बरहम करे। और उनकी कोशिश थी कि आज मक्का मस्जिद के पास एहतजाज करके बेकसूर लोगों को पुलिस के जुल्म का निशाना बनाएंगे और यह एहतजाज में गड़बड़ करके हैदराबाद की हालत बिगाड़ देंगे। लेकिन कारपोरेटर साहब की और उनके साथियों की बरवक्त मदाखलत से रंगे हाथों ये लोग गिरफ्तार हुए। हमारा पुलिस से मुतालबा यह है कि इन दोनों को तफ्तीश करके इनके पीछे किसका हाथ है। हमको तो पूरा यकीन है फिरका परस अनासर का यह हाथ है, इनके आलेकार बन के ये लोग आए थे, मुख्तलिफ जाफरानी तंजीम के लोगों के एजेंट है ये लोग। पुलिस का काम है कि पूरी इंक्वायरी करना आजादाना तौर पर, गैर जानबदाना तौर पर इंक्वायरी करके उसको आवाम के सामने पेश करना कि कौन सी पार्टी के इशारे पर ये लोग ये हंगामा कर रहे थे। आज जब कभी भी कुछ होता है तो बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को पुलिस निशाना बनाती। अब तो ये हो गई कि जिस बच्चे को पुलिस कस्टडी में दिया गया उसकी मोटरसाइकिल हॉस्पिटल के पास रखी थी, अभी पुलिस लेके जा रही है, टास्क फोर्स के लोग उसकी मोटरसाइकिल को उसके भाई या बेटे के हवाले कर दिए। हम पूछना चाहते हैं कि अगर कोई मुसलमान के साथ होता है तो 6-6 महीने केस खत्म होने तक मैं उसकी व्हीकल नहीं देती। यहाँ इतनी हमदर्दी पुलिस की कि फौरी उसका व्हीकल उसकी मोटरसाइकिल उसके लोगों को दे दिए। जाब्ते की कार्रवाई जो सबके साथ की जाती है वो इसके साथ भी करना चाहिए। ये तस्वाना कार्रवाई बच्चा ये पुलिस को जो चौकसी इख्तियार करनी चाहिए थी उनको ये इत्तला पहले मालूम होना चाहिए था। हमारे सामने जब गड़बड़ हुई तो हमारे सामने ये बात खुल के आई तो हम उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किए। आप अब पुलिस की क्या कार्रवाई बताए, इंटेलिजेंस की SB की कार्रवाई आपको खुद मालूम है कितना बड़े। हमारे काउंसलर साहब हमारे वर्कर्स अमन की बर्खास्तगी के लिए फील्ड पे थे, पब्लिक से भी बच्चों को बचाने के वास्ते बच्चों से पब्लिक के भी जो फतरे लगे कुछ लोगों को, लेकिन हम ये बताते कि ना SB इसमें हरकत नहीं आई ना इंटेलिजेंस आई। बराए नाम हम ऐसे भी कोशिश करते हैं कि कहीं से भी किसी का भी केस सुनते मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाए। तो आज भी हम ये महसूस करते हैं कि आज फिरका परस्त अनासर के निशाने पर आज भी मक्का मस्जिद है। हम चाहते हैं कि हुकूमत पुलिस इसकी गैर जानबदारी तहकीकात करा के मीडिया के जरिए प्रेस के जरिए ये ऐलान करे कि कौन सी पार्टी के थे, क्या मकसद था इनका, जबकि हमारे पास अमन था, हमें पुरअमन तौर पर नमाज हो गई, कभी भी ऐसी हंगामा ऐसा नहीं हुआ। नमाज होने के आधे घंटे के बाद ये नारेबाजी और संगबारी का वाकया हुआ और इस रिमन में पुलिस रिवायती एतबार से बेकसूर मासूम कमसिन बच्चों को गिरफ्तार करी, शहर के मुख्तलिफ नाकों में है। हम डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करेंगे, उन बेकसूर बच्चों की फौरी रिहाई का उनसे मुतालबा करेंगे और छुड़ाएंगे उनको। हाँ, कोई कसूरवार आपकी नजर में या आपकी वीडियो क्लिपिंग में कोई है तो हम उसके लिए कोई आपको प्रेस नहीं करेंगे, लेकिन बेकसूर लोग हमेशा पकड़े जाते हैं, करने वाला निकल जाता है। आज करने वाले भी रवि हाथ में पकड़े गए, लिहाजा पुलिस का काम है कि इसको फौरी एग्जामिन करे, इसकी तहकीकात करे। खुसूसन कमिश्नर से मेरी दरखास्त है कि वो इसके ताल्लुक से तहकीकात करे, लेके दूसरे दवाखानों में लोगों को शिफ्ट करने के लिए पुलिस गई है। किसी किस्म की लापरवाही पुलिस अगर बरतेंगी तो इसके नतीजे बहुत खराब निकलेंगे, पुलिस के ऊपर से अवाम का एतमाद उठ जाएगा। वैसे भी एतमाद थोड़ा बहुत पुलिस पे है तो चंद ऑफिसरों पे होगा जो सेकुलर जहन रखने वाले इंसाफ पसंद ऑफिसर आए, बाकी के सब जहनीत खराब रह के काम करने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर साहब इसमें मदाखलत करके तहकीकात करके जो भी उसका ऐलान करेंगे। इस मौके पर डिप्टी फ्लोर लीडर GHMC मोहम्मद गौस साहब जो इस कार्रवाई में रूह रवा थे, जनाब मुकर्रम अली साहब कारपोरेटर, हमारे इत्तेहाई के मजलिस के तमाम लोग इसमें पूरा तआवुन किए और इस वक्त अमन की बरकरारी के लिए हमारी जमात आज जो काम अंजाम दी है मैं समझता हूं कि हमेशा की तरह हम इसमें नुमाया रहे। हमको उम्मीद है कि चंद घंटे जो बंद के हैं वो भी बाकी पूरे मन तौर से गुजर जाएंगे। हमारा 21वां बंद
बहुत पूरा मन तब से कामयाब बन रहा, शुक्रिया खुदा। अपन आखिरी बात है तुम Thank you.
मेरा पुत्र हाँ तू आया क्यों इधर इधर आया क्या तू बकरम बाजी कर रहा है समझा रहा है मैं बोल रहा हूं गुजार रहे होंगे We'll be right back.